नाउ जस्टिन ट्रूडो पर कई बार ये आरोप लगता है कि ये टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के लिए, 3-4 महीने की पॉलिटिक्स के लिए ना कनाडा को कई साल के लिए बहुत ही बड़े अंधकार में धकेल देते हैं। और रिसेंटली यही हुआ है, दिखाए गए यहाँ पे आप देख पाओगे एक खालिस्तानी रैली में ये नारे लगे कि जो व्हाइट लोग हैं कनाडा में आज के समय जो मेजॉरिटी व्हाइट पॉपुलेशन है इनको वापस यूरोप चले जाना चाहिए। और कई लोगों ने ये नारे लगाए कि वी आप समझ सकते हैं जो ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट के जो लोग थे, ये लोग कह रहे हैं हम लोग हैं असली ओनर्स ऑफ कनाडा, हम लोग एक्चुअली ओन करते हैं कनाडा, यू आर फ्रॉम यूरोप, ये जो वाइट लोग हैं तुम लोग यूरोप से हो, वी आर द ओनर्स ऑफ द कंट्री, तुम लोग इन्वेड यहाँ पर करके आए थे। ये सब नारे देखिए काफी शॉकिंग है और कई कनेडियन सडनली इसको देखकर अब रियलाइज कर रहे हैं कि इंडिया क्यों लगातार कनाडा को वार्न कर रहा था कि कनाडा जिस रास्ते में जा रहा है इवेंचुअली दे विल हैव टू फेस बिग प्रॉब्लम्स। और ये आप कह लीजिए एक छोटा सा ट्रेलर हमने देखा है एक बड़ी मूवी का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो 2-3 नारे लगे हैं जिसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी, इसके बेसिस पर कनाडा में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है। इससे हमको दिखता है कि धीरे धीरे जो ये सेपरेटिस्ट विचारधारा है, जब आप किसी और देश को तोड़ने वाले लोगों को प्रॉपरली आप उनको रूम देते हो, स्पेस देते हो कि जो मर्जी आपको करना है कर लीजिए, तो इवेंचुअली आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी ही। नाउ जो ये वीडियो है जहां पर ये खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स नारे लगा रहे थे गो बैक टू इंग्लैंड, गो बैक टू यूरोप, ये मैं नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो खालिस्तान की रैली है जो कनाडा का रीजन है, सॉरी ब्रिटिश कोलंबिया का। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसके वर्ड्स आप सुनिए। ये जो सेम लाइंस आपने सुनी है ना, ऐसी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की जा रही है जहां पर अगेन ये जो लाइंस है काफी अजीब है कि वाइट पीपल शुड गो बैक टू यूरोप या फिर इजराइल। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है वेट ये यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि जो गोरे लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है कनाडा में, ये वापस यूरोप या फिर इजराइल चली जाए, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। जो ये नारे लग भी रहे हैं ना उसके पीछे का रीजन, हालांकि कोई इससे एग्री करेगा नहीं, बट ये लगाए क्यों जा रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में लगाए जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ कनाडा को आप लोग अगर देखोगे तो आपके माइंड में आएगा अच्छा ठीक है कनेडियंस, अभी रिसेंटली खालिस्तान का जो टॉपिक है काफी वायरल हो चुका है, बट आज से 3-4 साल पहले अगर हम जाएं तो अगर मैं बोलूँ कनाडा तो आपके माइंड में आएगा एक बहुत ही सुंदर कंट्री जहाँ पर काफी पीसफुल लोग रहते हैं। कनाडा ने इन रिसेंट टाइम्स किसी बड़ी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, नेटो वॉर्स को अगर हम छोड़ दें, अफगानिस्तान में जो हुआ था उस सब के अलावा कनाडा एक बहुत ज्यादा पीसफुल कंट्री है, यूएसए के साथ इनके काफी अच्छे रिलेशंस हैं। बट आप अगर कनाडा का इतिहास देखो कि यहाँ पर ये जो गोरे लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, जो यूरोपियंस लगते हैं, ये कनाडा में पहुंचे कैसे, देखिए 17th century से पहले कनाडा में ऐसे लोग रहते थे, ये थे कनाडा के इंडिजिनस लोग, कई हजारों सालों से ये रहे कनाडा में, फिर यहाँ पर आए यूरोपियंस, और जैसे ही यूरोपियंस ने देखा कि इतना बड़ा वास्ट लैंड है इस पे ये कब्जा कर सकते हैं, तो उसके बाद देखिए फ्रांस, स्पेन, यूके, इवन कुछ हद तक यूरोप के जो बाकी देश हैं, सबने अपनी फोर्सेस भेजी और कनाडा का कोई ना कोई हिस्सा कब्जा कर, जो यहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन है इन सबको मार के लिटरली एक जेनोसाइड हुआ था। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इतना बड़ा सत्य है कि रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो को भी यूनाइटेड नेशंस में ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। हालांकि ये 2017 की बात है, उस वक्त जस्टिन ट्रूडो काफी डिफरेंट थे, आज के समय बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ये बहुत बदल चुके हैं, बट जब जस्टिन ट्रूडो नए नए आए थे इन्होंने उस वक्त यूएन में खड़े होकर कहा था कि कनाडा हैज फेल्ड द इंडिजिनस पीपल। जस्टिन ट्रूडो ने ये बात ओपनली एक्सेप्ट करी थी कि हाँ एक जेनोसाइड हुआ था, जो वाइट यूरोपियंस आए थे उन्होंने नेटिव लोगों को बुरी तरीके से मार दिया। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये थी, जस्टिन ट्रूडो ने ये कह तो दिया मगर जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने ये बोला है ना, तो जो थोड़े बहुत इंडिजिनस लोग बचे हैं कनाडा में, अब वो लोग खुलकर कहते हैं कि देखो अब तो हमें कुछ ना कुछ, या तो आप रेपरेशन दो, मतलब कुछ पैसा दो, हमें कंपनसेशन दो कि हमारे पूर्वज तुमने मार दिए, या फिर कुछ ना कुछ जस्टिस करो, क्योंकि तुम खुद ऑफिशियली ये बात मानते हो यूएन में कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनके साथ गलत हुआ था। तो यहाँ पे जो खालिस्तान के जो रैलीज हैं, यहाँ पे कई जो लोग हैं, देखिए ये लोग पीसफुली रहना नहीं चाहते, ये कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स आए, एक कंट्री सफर करे।
अब इंडिया में इनको खालिस्तान मिलना नहीं है, तो इन दी एंड क्या होगा कि जो भी इनकी नेगेटिव विचारधारा है, सेपरेटिस्ट सोच है, ये घूम फिर के कनाडा पे ही गिरेगी। और इसलिए ये जो बात है, अब कई खालिस्तानी जो ये प्रोटेस्टर्स इन्होंने पकड़ ली है कि देखिए ये जो वाइट यूरोपियंस है, जस्टिन ट्रूडो जैसे दिखने वाले जो लोग हैं, जो कोई यूके से आया है, कोई फ्रांस से आया है, कोई यूरोप के किसी और स्टेट से आया है, तुम लोग वापस जाओ, तुम तो इन्वेडर्स हो, तुमने कब्जा रखा है यहाँ पे लैंड, यहाँ पे अब क्या बनाएंगे, ये क्या खालिस्तान बनाएंगे कनाडा में, लोग मजाक में कहते थे, बट लिटरली, क्योंकि अगेन देखो आपने कनाडा ने क्या किया है कि एक सेपरेटिस्ट विचारधारा वाले लोगों को इतना ग्रो करने दिया है कि अब कहीं ना कहीं तो उनको अपना देश बनाना है, खालिस्तान कहीं ना कहीं तो ये बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो बनना नहीं है, अब कहाँ बनाएंगे। तो अब यहाँ पर यही नारे लग रहे हैं कि जो वाइट लोग हैं, जस्टिन ट्रूडो जैसे जो लोग हैं, तुम लोग कनाडा छोड़ो, तुम यहाँ के हो ही नहीं। और अजीब बात देखिए, जो प्रॉब्लम कनाडा इन द फ्यूचर फेस करेगा, उससे जेन्युइनली अगर एक कंट्री कनाडा को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो यूएसए नहीं है, वो इंटरेस्टिंगली इंडिया ही है। इंडिया ने रिसेंटली कनाडा को खुद कहा कि एक आदमी है अर्शदीप सिंह गिल के नाम से, ये इंडिया में मोस्ट वांटेड है, खालिस्तानी टेररिस्ट है, कनाडा में है, इसको वापस आप हमें दे दीजिए, हमें एक्सट्राडाइट कर दीजिए, इंडिया में इस पर केस चलेगा। कनाडा ने अभी के लिए इसको अरेस्ट कर लिया है और लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा इस पर कार्रवाई होगी। तो एक अनफॉर्चुनेट बात है, इंडिया अपनी तरफ से देखिए कनाडा को लगातार वार्निंग दे रहा है कि जिन एलिमेंट्स को ये लोग संरक्षण दे रहे हैं पॉलिटिक्स की वजह से, आज नहीं तो कल कनाडा के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स ये खड़ी करेंगे। क्योंकि आप अगर इन खालिस्तानियों की मेंटेलिटी देखिए ना, ये खुद की एक नकली सी करेंसी बनाकर बैठे हैं, इनके खुद के पासपोर्ट्स हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, खुद की इनकी एक ओलंपिक टीम है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट स्टिल ऐसी आइडेंटिटीज कनाडा में क्रिएट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक लैंड की डिमांड करेंगे ही।